गुज़िश्ता दिनों लखीमपुर में हुआ दर्दनाक हादसा अब पूरी तरह से सियासी बनने लगा है। इस मामले में मरकजी वजीर के बेटे आशीष की गिरफ्तारी के बाद अपोजिशन अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग शुरू कर चुका है। इसी मामले को लेकर आज राहुल गांधी की क्यादत में कांग्रेस का वफद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि जब तक वजीर ममलिकते दाखिला अपने ओहदे पर है तब तक इंसाफ नहीं हो सकता है, जबकि मुतासिर कुनबा इंसाफ चाहता है। इससे पहले कल लखीमपुर में किसानों ने पंचायत कर मरकजी वजीर के इस्तीफे की मांग की थी। इस दौरान राकेश टिकैत ने तंज करते हुए कहा था कि वजीर के बेटे से गुलदस्ते के साथ पूछताछ हो रही है। इस मामले को समाजवादी पार्टी जहां अपनी रथ यात्रा में भी लगातार उठा रही है, तो यूपी के सियासी दौरे कर रहे असदुद्दीन ओवैसी आरएसएस चीफ से सवाल करते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये साफ हो चुका है कि वजीर की गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया, लेकिन सरकार पूरी तरह से बचाने की तैयारी में है। इस बीच यूपी के वजीर कानून ब्रजेश पाठक भी लखीमपुर पहुंचे, जिन्होंने हादसे में मारे गए बीजेपी कारकुनान को शहीद का दर्जा देने की मांग की। आज के इस प्रोग्राम में इन्हीं सवालों के जवाब तलाश किए जाएंगे, जहां हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए ये बयान। लखीमपुर खेरी में जिन परिवारों को जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उनके हम घर गए थे और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो दो चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। जब हम लखीमपुर खेरी में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे उनके परिजनों से मिले, तो जैसे राहुल जी ने कहा, वे सिर्फ न्याय चाहते हैं, और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष। अभी तो रेड कारपेट गिरफ्तारी है वही लड़के की, गुलदस्ते के साथ में पूछताछ हो रही, मंत्री का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी और फिर रिमांड पे इनको दोनों बापू बेटाओं को लो, तो फिर अपने गैंग के सदस्यों के नाम बताएंगे, वहां से इस आंदोलन का खुलासा होगा। जब तक इस्तीफा नहीं होता तो जब के लिए आंदोलन की घोषणा करेंगे यहाँ से। कहाँ का आंदोलन होगा, कहाँ होगा? लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी, अस्थि कलश पूरे देश भर में जाएंगे, पूरे जिलों में जाएंगे, उनको लोग श्रद्धांजलि देंगे, आज अपने में लोग लेके जाएंगे, और 24 तारीख में उनको जहाँ जहाँ लोग प्रवाह करते हैं अब अपनी स्थान पर उसको वहाँ पर प्रवाह कर देंगे, फिर 26 तारीख को लखनऊ आएंगे। हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के सरसंघचालक से, ये क्या बता, इसके बारे में क्या बोलेंगे जो किसानों को गाड़ी से रौंद दिया गया, गाड़ी से रौंद दिया गया और मंत्री कहता है कि मेरी गाड़ी है, और मंत्री अभी भी मंत्री बना बैठा रहेगा और इंसाफ भी होगा? ये सब इंसाफ नहीं होगा, ये आंखों में धूल झोंक रही है योगी सरकार और मोदी सरकार, क्योंकि अक्टूबर 20 को सुप्रीम कोर्ट में ये केस आएगा। आप क्या कर रहे हैं, मंत्री को हटाइए ना, वो लोग कहां हैं, वो जो दो लोग जिनको किसानों ने पकड़ कर दिया था आपने उनको अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया, तो पूरी तैयारी हो रही है इनको इनको बचाने के लिए, और जब तक वो मंत्री मंत्री पद पर रहेंगे मुझे यकीन है कि जो किसान 5 किसान मारे गए उनसे इंसाफ नहीं होगा।